लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं है कि जितना दुनिया पे। डेफिनेटली खसारा हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम हुए हैं, ऑपरेशनल रेवेन्यूज बढ़े हैं। कल असेंबली में इस पे एक क्वेश्चन भी था, इस साल हमारा रिलेटिवली पिछले सालों से खसारा कम हुआ है, और वो डोमेस्टिक ऑपरेशन और जो स्पेशल ऑपरेशन थे हमारे मिडल ईस्ट के लिए स्पेशल ऑपरेशन थे, या जहां भी पीआईए ने स्पेशल ऑपरेशंस किए तो उनमें ऑपरेशनल रेवेन्यूज इंक्रीज हुए और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कम हुए, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड पीछे खसारा चला आ रहा है वो तो चला आ रहा है। एयरपोर्ट के बारे में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की भी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टैंडिंग कमेटीज की भी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेनेट की भी है, नेशनल असेंबली की भी है, कैबिनेट ने भी इस पे अपने कंसर्न का इजहार किया है, और इसकी बड़े लार्ज स्केल पे नैब में भी इंक्वायरीज हो रही हैं, एफआईए भी इसकी इंक्वायरीज कर रहा है, इसमें हर लेवल पे लिटिगेशन भी है और आर्बिट्रेशन भी है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि मुस्लिम लीग की करप्शन का शाखसाना आज हम भी भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। और जिस एयरपोर्ट का इनिशियल पीसी 138 बिलियन था, 100 कुछ बिलियन पे चला गया है, तो यकीनन उसमें भी बहुत सारे बड़े लोगों के नाम आते हैं, लेकिन वो सारी चीजें लिटिगेशन में भी हैं, इंक्वायरी में भी हैं, नैब में भी हैं, एफआईए में भी हैं, और सब 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 स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीआईए रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रही है, और उस रीस्ट्रक्चरिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो वीएसएस है, कि जो उस पे मैन पावर का लोड है उसे कम किया जा रहा है, और लोगों को एक वॉलंटियरली एक स्कीम अनाउंस करके उस लोगों को ऑफर किया गया है कि वो मुआशी बुरान का भी शिकार ना हो और कंपनसेट हो जाए। और फिलहाल पीआईए को प्राइवेटाइज करने का कोई इरादा नहीं, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिशें, नए एयरक्राफ्ट इस साल 4 इंडक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर नेगोशिएशन हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला पीआईए को पहले से हम बेहतर अंदाज में लेके आएंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान में 2 सीट्स मिलने हैं, तो नबील कबूल है पार्टी के रहनुमा, उनको आज विकास नोटिस जारी हुआ है, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में यह कहा था कि हमसे 16 सीटों की बात हुई थी और हमें 11 मिली है, जिस पर उन्हें पार्टी ने विकास नोटिस ये कोई नबील कबूल साहब को कुछ लोगों को इलाम होता है, कुछ लोगों को रातों को ख्वाब होते हैं कि इतनी सीटें हम देंगे, इतनी सीटें फलां जमात को देंगे, लेकिन सीटें अल्लाह ने देनी है और इस मुल्क के अवाम ने, उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों ने सीटें देनी है, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि इतनी सीटों की बात हुई थी और इतनी सीटें उन्हें दे दी गई, लेकिन जो रिजल्ट पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन के ऊपर बात करते हुए कहा कि ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए हैं, मैं ना मानूं हमारा सियासी कल्चर है, ओपोजिशन जब भी कोई इलेक्शन हारती है तो इसी तरह का ड्रामा किया जाता है, हारने वाले अपनी हार को तस्लीम नहीं करते। इतनी सीटों के भी वो हकदार थे, लेकिन अपनी हैसियत से बढ़ के उन्हें सीटें मिल गई। बेटे एक बात साहब, ये बताइएगा रिंग रोड स्कैंडल जब सामने आया और कमिश्नर साहब ने जो पैक पार्टी की रिपोर्ट बनाई आपने उससे खिलाफ किया था, अब जो एंटी करप्शन ने इंक्वायरी करके सबका कमिश्नर और उनके साथ दीगर साथियों को अरेस्ट किया, आप एंटी करप्शन की मौजूदा इंक्वायरी से इत्तेफाक करते हैं अभी भी? लेकिन जी अब उस इंक्वायरी में मेरा सच तो है कोई रोल नहीं है, कोई मैंने उसे करीब से देखा नहीं है, ना उसके किसी पहलू पे मैं बात कर सकता हूँ कि उन्होंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन अभी जो फाइनली उन्होंने भी फाइनली डिसाइड नहीं किया, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गलत हुई थी, कमिश्नर को और लैंड एक्विजिशनिंग कलेक्टर को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया,
तो अब वो मामला रेफर कर रहे हैं, मजीद फाइनल इंक्वायरी तो नैब ने करनी है और उसके बाद हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि कौन कितना जिम्मेदार था। लेकिन जो भी जितना जिम्मेदार है, इंक्वायरी कोई भी होगी फेयरली होगी, टारगेटेड नहीं होगी, और जो उसके जिम्मेदार होंगे वो वाकई ही उन्हें करार सजा दी जाएगी। पत्र यहाँ बताएं कि ये सबको कैसे पता चल जाता है कि इतनी सीटें लेके, आजाद कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने दावा किया था और उतनी ही सीटें। शेख साहब को भी अलाम होता है। एक चीज है, तीन साल हो गए आपके हुकूमत को बने हुए, कल रात को ही पेट्रोल महंगा हुआ है, तो आवाम को कब तक रिलीफ देंगे ये कहीं कश्मीर में? अगर काइंडली मेरे पास है, व्हाट्सएप में है कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस क्या हैं, और दुनिया को छोड़ें साउथ एशियन रीजन में, हम कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, इंडिया के साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं, मालदीव के साथ करते हैं, तो रिलेटिवली पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्राइसेस तेल की इजाफा होता है, ये लिंक्स हैं उसके साथ पेट्रोलियम प्राइसेस, तो रिलेटिवली ये सार्क रीजन में पाकिस्तान में फिर भी पेट्रोल डीजल सस्ता है। सर्वर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन असलाहत की बात आती है तो ओपोजिशन का बयानिया बदल जाता है और वो हमारे साथ एक पेज पर मौजूद नहीं होते।